किधर? हे गाइस, क्या हालचाल? आई होप सारे सर अच्छे हो गए। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमसे दबा के होने वाली है यार। और गेम प्ले में क्या होने वाला है वो तुमने देख ही लिया होगा, मतलब हालात बहुत ज्यादा ही बुरे चल रहे थे और हमारी सिजुका मैडम ऑफलाइन हो रखी थी। और वो उसी समय ऑफलाइन नहीं गई थी, बहुत पहले चली गई थी और बहुत देर से उसी गाड़ी में बैठकर गाड़ी का वजन बढ़ा रही थी। तो फिर वो ऑफलाइन कब गई थी, क्यों गई थी, कैसे बचेंगी, बचेंगी या नहीं बचेंगी, कब बचेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए। वैसे तो सबका आंसर मिलेगा, लेकिन उसके लिए विदाउट स्किप किए, विदाउट मिस किए पूरा गेम प्ले देखने का, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे और मिस कर दोगे तो मजे नहीं आएंगे। लेकिन उसके पहले खतरनाक डोमिनेशन और चिकन डिनर वाला गेम प्ले एंजॉय कर लो, क्योंकि अगले गेम प्ले में चिकन डिनर मिले ना मिले, क्या हो कब हो, ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। तो फिर बकायती बंद करते हैं, स्टेडियम हॉट ड्रॉप किया और तुम तबाही एंजॉय करो। तो यहाँ पास स्टेडियम में एक स्क्वाड आती है जो हमारे एक बंदे को नॉक कर जाती है, लेकिन हम उसको रिवाइव देते हैं, स्क्वाड को बजाते हैं, फिर लूट कंप्लीट करते हैं, फिर गाड़ी उठाते हैं। तो जब गाड़ी उठा लिया तो फैमिली में आने वाली रस्म को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तो उसके बाद हम मिराडो लेके आराम से घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी हमको सामने दिखाई देती है एक गाड़ी। और अब तुम एंजॉय करो फास्ट एंड फ्यूरियस का खतरनाक गेम। तो मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा मन था और फास्ट एंड फ्यूरियस का गेम खेलने का, लेकिन गाड़ी चिपक जाती है यार, पता नहीं कैसे चिपक जाती है। और जब निकलती है तब तक ये भाई साहब लोग डब्बे बन जाते हैं, तो फटाक से इन डब्बों से लूटते हैं। उसके बाद फ्लेयर चल रखी थी और फिर हमको दिखती है फुलझड़ी वाली गन से आई हुई कछुआ छाप काक्रोच, जिसकी स्पीड तुम भी जानते हो, तो ये लोग भाग तो पाएंगे नहीं। और फिर इनके साथ क्या होगा, एंजॉय करो। तो इनके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है, कछुआ साहब का आक्रोश को फोड़ दिया जाता है, दो तीन उसी में नॉक हो जाते हैं और बचे कुछों को हम बजा देते हैं। फिर गाड़ी उठाते हैं और टावर में कुछ बंदे हैं तो आसमान की ऊंचाइयों में जाके उनको ही बजाते हैं। तो भैया जी को डॉक्टर वाला गेम खेलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, मतलब कवर में आने का वेट भी नहीं किया, वही पास डॉक्टर वाला गेम चालू, लेकिन फटाक से इनको बजाया। उसके बाद हमारे टीममेट को एक और स्क्वाड दिख जाती है जो अंतिम स्क्वाड होती है, तो फटाक से गाड़ी उठाते हैं और उनके पास जाते हैं, लेकिन तब तक में सिर्फ एक बंदा बचता है, बाकी कोई लोग बजा देते हैं। तो मिल गया चिकन डिनर, अब अगले गेम प्ले मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ निश्चित नहीं है। तो फटाक से पायलट प्लाजा में एंट्री मारते हैं और तुम केपीएस की बकायती सुनो। नहीं, मैंने सोचा कि बस क्लिकबेट होगा, ये तो सच में वीडियो ही है, मतलब उसी बारे में बता रहा है। ऐसे कॉपी में कोई स्ट्राइक दे सकता है क्या? लोन में ऐसे कॉपी पे कोई स्ट्राइक दे सकता है जिसने कंटेंट उठाया है? हां वही तो, आईडिया कॉपी करने पे। अब भाई मैं पौआ के लिए थोड़ा सेफ्टी वो कर रहा था, कल की वीडियो में यूज कर लिया था गलती से, पता नहीं क्या होता है, कोई बोल रहा था मैं उठा लिया।
हाँ तो देख रहे हो लौंडा, हमारे ही डायलॉग कॉपी करा है, मतलब खुद से क्रिएट कर लो, नहीं खुद से कुछ बना लो, हर चीज कॉपी नहीं की जाती। तो हटाओ, इसके लिए स्ट्राइक थोड़ी मारेंगे, इसके लिए तो केपीएस को मारेंगे ना किसी अगले गेम प्ले में। तो फिर तुम शांति से गेम प्ले एंजॉय करो, क्योंकि कुछ ज्यादा ही शांति है और ये शांति तूफान के आने की पहले की है। मेरे पे भी आ रहा है, मेरे पे भी है, और ये हमारे पावर ही। हाँ तो एक बार गहरी सांस ले लो, खतरनाक कैंपर यार, मतलब एक बंदा यहाँ कैंपिंग कर रहा है, दूसरा बंदा दूर से एंगल ले रहा है। नहीं नहीं इतना दिमाग ला कहाँ से रहे हो? तो फटाक से हीलिंग करो, और यहाँ पास अभी एक दो नहीं दबा के कैंपर हैं, तो एंजॉय करो। अब मैं लिटरली बताऊंगा तो मेरा इस बंदे पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान था राइट वाले पेड़ पर, क्योंकि वहां पास बंदा भाग के गया था। लेकिन ये भाई साहब कहां से निकाल आते हैं कुछ समझ ही नहीं आते हैं। तो भैया इस तरह कैंपर कुछ ज्यादा हो सकते हैं, तो आगे आगे नहीं जाना, पीछे पीछे रहेंगे, जब एक दो नॉक हो जाएंगे तब जाएंगे। मजा आ रहा, डर लग रहा। तुमको पता है केपीएस किस बारे में बात कर रहा है? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता, लगता है इसको भी सस्ता वाला मिल गया। मजे आ रहे हैं, चारों ओर बादल ही बादल दिख रहे हैं, हवाओं में उड़े जा रहे हैं केपीएस भैया, तो इनके नशे तो चलते रहेंगे। हम फटाक से लूटते हैं, क्योंकि लूट इम्पोर्टेंट है। तुम लोग खेलो, मुझे जाना पड़ेगा। मैं केपीएस, ये लिरिक्स तूने लिखे हैं? क्या बता, बंदे को ये भी याद नहीं कौन से लिरिक्स, महंगा वाला लिया भाई, सस्ता वाला नहीं है ये। ड्रॉप पे एमके है, उसके बाद सामने MK-14 होती है, तो मतलब MK-14 से तबाही की जाएगी। Do you know about riding? मुझे कोई मारना मत, ओके? कार में बैठ लो, कार में बैठ के जाओ। हाँ ये आइडिया बढ़िया है, सुझको कार में बैठा देते हैं। और कार कहाँ है? केपीएस के पास, लेके पता नहीं कहाँ ही घूम रहा है। तो केपीएस को बुलाते हैं और सुझको कार में बैठाते हैं। ये केपीएस हेवी ड्राइवर है, केपीएस का तो यूपी ड्राइवर है। देखो कार का क्या हालत है। आज केपीएस सच में ज्यादा वाला फूंक लिया है बे, इतनी बढ़िया गाड़ी ऐसे ऐसी करके रख दिया। तो फटाक से दूसरी गाड़ी के पास जाते हैं और सुझको को उसमें बैठाते हैं, नहीं तो इसके मत्थे तो काम हो जाना है। ये वाला कार का क्या हालत करके लाया भाई, निकल गिर गया। तो फटाक दूसरी गाड़ी में आते हैं और कार चेंज करते हैं, और फिर सुझुका को टाटा बाय बाय बोलते हैं। हम ड्राइव करते हैं, लेकिन हमारा नसीब कुछ ज्यादा खराब है, हमारे लिए गाड़ी ही ग्लिच्ड है। तो फिर हमारे लिए गाड़ी ग्लिच्ड है, तो गॉड कहता है कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो कोई बात नहीं, अपने भाई को गाड़ी दे देते हैं। गॉड बंदों पे चल, मार्क द लोकेशन। तो उसके बाद हम आराम से बंदों को ढूंढ रहे होते हैं और थर्ड एल से फायर आता है, तो माने गाड़ी कूदा के जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात नहीं भूलने का, गाड़ी तुम्हारा भाई नहीं चला रहा है, तो फिर समझ रहे हो क्या होने वाला है, आगे देखो। फिर तो मतलब अब गाड़ी को घुमा के ले जाना पड़ेगा, तो फिर चलो घूम के चलते हैं। इतनी ज्यादा शांति कैसे हो सकती है, तबाही नाम की चीज दिख ही नहीं रही है। तो गाड़ी से जंप मारते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ड्राइविंग कर रहा है ना, गाड़ी से तो नहीं पहुंचने वाले, पैदल ही चल लेते हैं। तो यहाँ पास मैंने इस बंदे को इतना ज्यादा डैमेज दिया, तो भी केपीएस नॉक हो गया। आज तो केपीएस ने पक्का महंगा वाला लिया है, साफ समझ में आ रहा है। गॉड मेरे पास आ जा, मैं दे दूंगा मरते। अरे इधर ही था, भाग गया वो। हीलिंग दे दे, मास्टर दे दे। अरे मेरे पे आ जा, मैं यहाँ पे हूँ। नॉक। और भाई साहब का मन हाइड एंड सीक खेलने का था, और हमारा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सामने फाइट हो रही थी, वहां भी जाना था।
तो फटाक से स्क्वाड वाइप कर दी है, उसके बाद लूट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सामने फायरिंग हो रही है तो फिर सीधे नदी में कूदते हैं। मैं नहीं दूंगा, वो बहुत ज्यादा ही होगा, मैं सुरगद्दी को बचाऊंगा। पता नहीं, और जिस हिसाब से फायरिंग की आवाज आई है ना, अगर नदी से ऊपर गए तो ऊपर का टिकट ही कट जाएगा। तो यहाँ पास फायरिंग से समझ में आ रहा था कि कुछ दंगे हो रहे हैं और बंदे हमको भूल गए हैं, तो फिर चुप्पे चुप्पे रस मारते हैं। खत्म हो जाएगा सब कुछ। आ गया मैं। तो भाई साहब इसे बोलते हैं कैंपिंग। तीन तीन बंदे सीढ़ी में बैठ रखे हैं। अच्छा हुआ हमारे पास MK-14 थी। उसके बाद स्टलके की आवाज आई। हाँ हमको भी आई थी, मतलब अभी एक स्क्वाड का एक बंदा या दो बंदे जिंदा है। लेकिन यहाँ पास तो ये भाई साहब घुटनों में आ रखे होते हैं, मतलब अभी एक बंदा और है, तो इनसे थोड़ा बहुत लूटते हैं, उसके बाद उसको ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। लेकिन तभी गॉड की आवाज आती है। किधर है? अरे नीचे के छोटे रूम में, नीचे के छोटे रूम में डाल दिया। S12 के लेकिन उसके पास इन्हें गिरने तोड़ कर दे। और हमारे गॉड भैया चोलबके से डर रहे थे, और डरना लाजमी भी है, हमारी भी हवा निकलती है। लेकिन हमारे पास अभी थी MK-14, तो फिर बजा दी इनकी बीन। तो फटाक से लूट कंप्लीट करते हैं, और तुमको याद होगा सिजुका नाम की एक लड़की है जो ऑफलाइन है, जिसके बारे में सारे ही भूल गए हैं। पता नहीं वो वाली गाड़ी है कहाँ पास। फ्यूल खत्म। अरे मैंने सोचा फ्यूल खत्म। अरे बहुत था क्या ये पीस? वॉच आउट रियल था। हां सुजुका दी को नहीं मारा। तो वो गाड़ी हमारे केपीएस भैया के पास थी, और हमको सामने बंदे दिख जाते हैं, तो उनको जाके बजाते हैं। बाहर ही है, मैं तेरे पीछे हूं। अभी भी बाहर है। पैन नहीं है, पैन नहीं है, पैन नहीं है। पैन गिरा, पैन गिरा, पैन गिरा, पैन गिरा। हाँ जब तक मैं पैन गिराऊंगा ना, मैं भी डिब्बा बन जाऊंगा। तो मतलब इतना बढ़िया गेम प्ले चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, बढ़िया क्लच मार रहे थे, बढ़िया इज्जत बढ़ रही थी। लेकिन बेइज्जती करवाना है, बिना बेइज्जती के शांति नहीं मिलती हमको। तो आ गए घुटनों में, क्या जरूरत थी यहाँ पास पैन से मारने की मुझे भी नहीं पता, बस मेरा मन किया तो मार दिया, और फिर घुटनों में आके रिवाइव ले रहे हैं, क्योंकि भाई सिजुका को बचाने से पहले हमको ही बचना इम्पोर्टेंट है। बचा ही लिया लास्ट तक। अरे उसको सेफ रख, उसको सेफ रख लास्ट टाइम। तो मैं बहुत पहले से ये चीज कह रहा था कि केपीएस आज फूंका है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। देख लो केपीएस की जिम्मेदारी पे गाड़ी छोड़ी थी, और गाड़ी के हालात देख रहे हो ना। इसको रहने दे पीछे। हाँ। और बचे कुचे नशे गॉड भैया कर लेंगे, नहीं यही गाड़ी मिल रही है धक्का मारने को, जाके दीवार पे सर मार लो, उसके बाद बची कुची का सर अभी बंदा पूरी करेगा। तो भाई साहब ये गाड़ी HP है भी कि नहीं, मतलब 0.0.0 क्या पॉइंट में भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा देखने में। तो उसके बाद सिजुका अभी तक तो बच गई है, अब आगे बचती है कि नहीं वो देखते हैं। तो हम फटाक से वो भाई साहब के पास जाते हैं जो स्प्रे कर रहे थे, और भाई साहब छत में आराम से विश्राम कर रहे हैं, तो चलते हैं फिर उनका विश्राम भी खत्म करते हैं। क्या करो? अरे सबसे ऊपर।
तो भाई साहब साफ शब्दों में देख लो सुजुका बच गई है। तो फिर मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल मेरा सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।